आलू गोभी की सब्ज़ी तो आपने बहुत तरीके की बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन इस तरीके से आप आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी ट्राई कीजिए, ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये सब्ज़ी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा, स्वागत है आप सभी का इंडियन रसोई का जायका में। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पतीला लिया है, उसमें पानी ले लिया है और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल करके और 1/2 किलो के करीब गोभी को मैंने थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया, ऐसे डाल देंगे। ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जो है अगर कुछ गोभी में कीड़े वगैरह होंगे तो वो निकल आएंगे या तो मर जाएंगे। पानी में बॉयल आने देंगे, ये देखिए बॉयल आ गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसको छान करके निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। तेल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, लंबे पीसेस में, स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करें, इसे हम सॉरी भून लेंगे और इसे हमें भूनना है हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे हमें इसे तब तक भून लेना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन कलर में आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर में। कलर देखिए अब चेंज हो गया है इसका बिल्कुल, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस प्याज को हमें कंटेनर में निकाल लेना है। इसके बाद इसी बाकी बचे तेल में हमने जो गोभी को लिया था बॉईल करके वो, और 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलूओं को लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे इसके साथ में। आलू आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो, और इसे हमें तब तक फ्राई कर लेना है थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छे से भुन जाइए। अच्छा, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं जब तक, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अपने मसालों के लिए मैंने यहाँ पर 6 लहसुन की कली ले ली है और इसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ, 8 से 10 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 हरी मिर्ची। इन सबको हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो प्याज को फ्राई करके लिया था ना, इसे भी हम इसके साथ में ही डाल देंगे। इसको डालने के बाद साथ में मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ और 1 ही चम्मच यहाँ पर मैं कसूरी मेथी और 1 चम्मच के करीब साबुत जीरा डाल करके थोड़ा सा पानी बिल्कुल डालेंगे और इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मसालों का पेस्ट मैंने बना करके तैयार कर लिया है। चलते हैं अपने आलू गोभी की तरफ। तो ये देखिए आलू गोभी अभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप कढ़ाई में देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल बचा हुआ है, तो इसमें मैं अब 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे घी, ट्रस्ट मी इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ये हलवाई लोग यूज़ करते हैं ड्रिंक। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 चक्रफूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा जावित्री का ले लिया है। इन सारे खड़े मसालों को हम डाल देंगे और इन्हें हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर अब मैंने स्लो कर दिया बिल्कुल। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल करके हम थोड़ा सा भून लेंगे। या तो यहाँ पर गैस का फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखिए या तो गैस बंद कर दीजिए, नहीं तो तेज़ फ्लेम पर ये हमारे मसाले जल जाएंगे। अगर आपको सब्ज़ी में और अच्छा कलर चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर ये जो हमने मसाले लिए थे ना पेस्ट बना करके, इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। बस अब इसे हम अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब इसको हम लेड लगा देते हैं और मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे करीब 8 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर। बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहे मसालों को। तो करीब 8 से 10 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छे से भून गए हैं, तेल भी ऊपर आ गया है जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, बारीक कट करके ले लिया है। इसकी जगह आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं, इसे डाल देंगे। साथ में मैं नमक डाल दे रही हूँ जितना मुझे ग्रेवी में चाहिए, तो डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे मसाले सॉरी टमाटर हमारा अच्छे से भुन जाएगा। तो बस अब इसे ढक करके 3 से 4 मिनट तक और हम मसालों के साथ भून लेंगे। बेसिकली हमें टमाटर को गलाना है, मसाले ऑलरेडी हमारे भुन चुके हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं 3-4 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से टमाटर भी गल गए, मसाले और अच्छे से भुन चुके हैं यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो हमने फ्राइड आलू गोभी लिया था इसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर लगभग 1 से 2 मिनट तक आप इसे चलाते हुए इसे भून लीजिए। तो अब आपको जितना यहाँ पर आपको ग्रेवी चाहिए हो, जैसे पतली या गाढ़ी, उसी हिसाब से आप पानी डालिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप के करीब पानी डाला है। पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर लिड लगा करके हम इसे 10 से 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने देंगे।
करीब 7-8 मिनट के बाद यहाँ पर हम लिड हटाएंगे और सब्ज़ी हमारी लगभग आधी पक चुकी है। तो यहाँ पर आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दे रही हूँ मैं, डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। गरम मसाला अगर आप लास्ट में डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे वापस ढक करके अब 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद आप देखिए सब्ज़ी का कलर देख रहे हैं ना आप, कितना प्यारा आया हुआ है। ट्रस्ट मी, ये सब्ज़ी आप जब एक बार बना करके ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप डाल दीजिए ऊपर से। तो इसे सर्व कर लेते हैं, गर्मा गर्म राइस, चपाती, पराठे, पूरी किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, तब तक ले स्टे हैप्पी, बी हेल्दी। और मैं ऊपर से अदरक के टुकड़े यानी जिंजर जूलियंस और हरी मिर्ची, कटी हरी मिर्च के साथ सर्व कर रही हूँ।